दोस्तों, यदि आप भी फेसबुक चलाते हैं और यदि फेसबुक से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यदि आपका एक प्रोफेशनल फेसबुक अकाउंट है तो आप अपने प्रोफेशनल फेसबुक अकाउंट में किस प्रकार से अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सी डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सी डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का फीचर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको मोनेटाइजेशन वाले फीचर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोनेटाइजेशन वाले फीचर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो जो भी फीचर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टार टूल आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको स्टार्स वाले पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐड पे आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ऐड पे आउट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पे आउट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यदि आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट है तो आप यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री। तो सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर कंट्री और बिजनेस टाइप देखने को मिल जाएगा। तो कंट्री आपको यहाँ पर अपनी कंट्री इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और बिजनेस टाइप यहाँ पर आपको इंडिविजुअल, सोल प्रोप्रिएटर, पार्टनरशिप, जॉइंट एलएलसी, कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम चेक कर लेना है और आपका जो है लास्ट नेम चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना पैन अकाउंट डिटेल भी यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे चेक बॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर चूज हाउ यू डू लाइक गेट पेमेंट पेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र, लिंक योर पेपाल अकाउंट। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है आपको बैंक ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली हम यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक पे आउट मेथड जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके पहले आपको कुछ यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि आपका बैंक कंट्री कौन सा है। तो आपको यहाँ पर बैंक कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि बैंक करेंसी जो है आपका INR है। इसके बाद यहाँ पर आपको नाम, आपका जो है नेम देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक का IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना IFSC और बैंक अकाउंट डिटेल फिल कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको लिंक पे आउट मेथड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लिंक पे आउट मेथड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ऐड टैक्स इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू एज आपका जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा कि are you a US सिटीजन। यदि आप जो है अमेरिका के सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पर एस करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आपको आर यू एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरी एजेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ अनदर पर्सन। तो सिंपली आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिटीजन सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो कंट्री है इंडिया वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीचे। तो सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कंट्री इंडिया। तो चलिए हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे टैक्स
पेयर आइडेंटिटी नंबर जो है 10 आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपका पैन कार्ड होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आई हैव ए US 10 देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये US वालों के लिए है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रोवाइड एडिशनल रिलेटिंग टू योर सर्विसेज देखने को मिल जाएगा, जिसमें लिखा है कि 0% सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म इनसाइड द US स्टेट और 100% सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स और सर्विसेज विल बी फिजिकल परफॉर्म इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द स्टेट। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है 0% सर्विसेज और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे की ओर ट्रैक करना है और यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आपका जो है डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पे आउट मेथड है वो सक्सेसफुली फेसबुक अकाउंट के साथ जो है ऐड कर दिया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।